All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट चार्ज्ड बॉडीज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना एक डिफिकल्ट टास्क होता है। ऐसे केसेस में जब आपके पास कुछ सिमेट्री हो या कुछ अंडरस्टैंडेबल स्ट्रक्चर्स हो, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हमारे लिए इजी हो जाता है यूजिंग गॉस लॉ। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सचिन कुमार, वेलकम टू एस चांद एकेडमी। और बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है इस लेक्चर का, वो है कि क्या हम गॉस लॉ का यूज़ करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड थिंग, इससे हम कुछ और भी चीज़ें इंटरप्रेट कर सकते हैं जो हमारे लिए जनरलाइज्ड फैक्ट हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने में हेल्प कर सकती है। अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप एस चांद पब्लिशिंग की इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं। हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो है फिलहाल कि हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ को डिस्कस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एज अ फर्स्ट एग्जांपल इन दिस केस हम इसको स्टडी कर सकते हैं। तो क्या हम एग्जांपल ले रहे हैं कि कंसीडर कीजिए, यू हैव अ स्फीयर विच इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, कि उसके अंदर यूनिफॉर्मली आपका चार्ज जो है वो स्प्रेड है उसके अंदर, तो कम्प्लीटली वो जो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, वो आपका अच्छे से चार्ज्ड है। नाउ अब आप क्या करना चाहते हैं कि आपको पता है कि ओके, पॉइंट चार्ज की वजह से आपको पता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे क्या हो सकता है। लेकिन क्या अगर आपके पास एक स्फीयर है जो कि एक सॉलिड स्फीयर है और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, उस केस में आपके पास आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? हम गॉस लॉ अप्लाई करके देखते हैं, लेट्स लुक एट कि क्या हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं। अगर आपके पास ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, इसको मैं इसके अराउंड एक स्फीयर कंस्ट्रक्ट करता हूँ जो कि इसके सेंटर से, मतलब दोनों स्फीयर्स का सेंटर सेम पॉइंट पे है, एंड इसके सेंटर से आई कैन इमेजिन कि ओके, ये कंसिडर करते हैं हम आर डिस्टेंस पे है, फाइन। एंड अब ये जो आपके पास सरफेस है, जो आउटर सरफेस है, जो मैं मान लेता हूँ कि एस, तो इस केस में इस पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस सरफेस के थ्रू आपकी क्या फ्लक्स जाएगी, उसके थ्रू हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सो ओवरऑल अगर मैं फ्लक्स का ही फॉर्मूला फिर से यहाँ पर अप्लाई करूँ तो ई डॉट डी एस, एंड अगर मैं इसको एक क्लोज सरफेस पे सरफेस इंटीग्रल अगर मैंने इसका फाइंड आउट करना है, सो दिस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ये आपकी क्वांटिटी यहां पर आएगी ई डॉट डी एस जब आप इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास एंड ये आपके पास डी एस एरिया एलिमेंट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको पता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल इंडिपेंडेंट है दिस क्वांटिटी डी एस से, तो मैं इसको बाहर लिख सकता हूँ, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैंने बाहर लिखा, एंड यही इलेक्ट्रिक फील्ड मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि एट दिस पॉइंट ये जो आपके पास सरफेस एस है, इस पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सो लेट्स फाइंड इट आउट। तो ये जो आपके पास है, आप सरफेस इंटीग्रल लेंगे ऑफ दिस टर्म डी एस, एंड दिस इज अगेन इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। आफ्टर दैट ये जो डी एस है, आपको पता है इसकी वैल्यू क्या है। सो फॉर दिस सरफेस विच इज फ्रॉम द सेंटर आर डिस्टेंस, जिसका सरफेस आपका दूर है, मतलब इसकी रेडियस जो है वो आपकी आर है, इन दैट केस ये आपके पास बन रहा है 4πr², फाइन, एंड दिस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट।
तो ये आपका एक्सप्रेशन बना है। अब इसमें ई इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड आउट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम इक्वल टू, तो ये 4πr² को हम दूसरी साइड ले जाते हैं, सो दिस विल बिकम 1/4πε0 दिस क्वांटिटी क्यू एनक्लोज्ड डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये गाइस आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में बन जाता है। नाउ अगर इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखो तो आपको इसमें क्या नजर आता है, दिस एक्सप्रेशन इज सेम लाइक कूलम्स लॉ। तो अगर ये कूलम्स लॉ है देन आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब भी आपके पास एक स्फीयर है ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एंड अगर आप उसके सेंटर से किसी पॉइंट पर जाकर उस जगह पर आप इसको स्टडी करना चाहते हैं, सो दिस विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। तो ये एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसा है कि अगर मैं इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है क्यू उसको मैं एक पॉइंट पे कंसीडर कर लूँ एंड देन अगेन इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे चला जाऊँ, तब जो यहाँ पर मेरे पास फील्ड होगा द सेम फील्ड I am observing in this case। तो इससे हमें एक और चीज़ ये सीखने को मिली कि कोई यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है एंड आप उससे उसकी बाउंड्री से आप बाहर हो, सो इन दैट केस वो आपके लिए कैसे बिहेव करेगा, वो आपके लिए इस तरीके से बिहेव करेगा जैसे वो एक पॉइंट चार्ज हो। अब इतनी बात तो चलो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर मैं उससे एक लार्ज डिस्टेंस पर हूँ देन उसे एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकता हूँ, बट अगर मैं उससे फाइनाइट डिस्टेंस पर भी हूँ तब भी मैं उसे पॉइंट चार्ज डिस्कस कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन। तो ये तो बात हुई कि अगर मैं उसके रीजन से बाहर हूँ, वट इफ मैं उसकी टेरिटरी के अंदर चला जाऊँ, उसके रीजन के अंदर चला जाऊँ, तो उस केस में हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा। सो लेट अस टेक दिस एज अ सेकंड केस। सो इन द सेकंड केस मैं ये मान रहा हूं कि ये जो मेरे पास स्फीयर है ये चार्ज स्फीयर जिसमें कंसीडर कीजिए पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो जब ये चार्ज हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब हमें क्या करना है, अब हम इसके अंदर एक रेडियस पे जाएंगे जो कि क्या होगी, इस रेडियस से ये हम कंसीडर करते हैं ओके दिस इज कैपिटल आर, तो जो हमारी रेडियस है जो हमारा पाथ है वो लेस देन दिस कैपिटल आर एट अ स्मॉल आर किसी भी डिस्टेंस पे हो सकता है। तो इस केस में अगर मुझे इस किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए फॉर द सेम स्फीयर, तो उस केस में आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। नाउ अब आप क्या है इसमें इसी स्फीयर के अंदर किसी एक पॉइंट पर हैं और वहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। पहला एग्जांपल हमने कंसीडर किया कि चलो थोड़ा सा ईजी था, लेकिन इस केस में आपके पास क्या होगा, गॉज लॉ ने आपको ये सर्टेनली क्लियरली बताया है कि कॉन्ट्रीब्यूशन फ्लक्स में सिर्फ उस चार्ज का होगा जो उस बॉडी के अंदर एनक्लोज्ड होगा, जो उस सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड होगा। सो अगर हम उस चीज़ को दिमाग में रखें तो हमारे पास यही चीज़ क्या बन रही है, तो फॉर्मूला इज सेम अगेन, इलेक्ट्रिक फील्ड वी वांट टू फाइंड आउट डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल, जिस सरफेस पे जिस पॉइंट पे हम इसको मेजर करना चाहते हैं उसके उसको कंसिडर करते हुए हमने ये स्फीयर ड्रॉ किया एंड तो उस पॉइंट पर डी एस को हम कंसीडर करते हुए सरफेस को डी एस कंसीडर करते हुए हमने इसका फ्लक्स फाइंड आउट करना है, क्लोज सरफेस है सरफेस इंटीग्रल हमने बना दिया इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आपके पास सेम गुड ओल्ड एक्सप्रेशन ये आपके पास है। नाउ अब ये जो क्यू एनक्लोज्ड है ये आपको फाइंड आउट करना एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, तो यहीं पर हमें थोड़ा सा ब्रेन पुट करना है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि क्यू एनक्लोज्ड इस पूरे स्फीयर पे कितना चार्ज है, तो हमने क्यू चार्ज कंसीडर किया था कि जो इस पूरे स्फीयर के अंदर जो ये आउटर स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है, तो इसके अंदर टोटल क्यू चार्ज है। नाउ अब हमें चाहिए कि कंसीडर कीजिए कि अगर ये चार्ज क्यू है तो
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी? तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी आपकी क्यू डिवाइड बाय इस स्फीयर का आपका वॉल्यूम. सो दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब. सो ये जो आपके पास क्वांटिटी है, ये है आपके पास इस स्फीयर की चार्ज डेंसिटी. तो जब आपको इस स्फीयर की चार्ज डेंसिटी मिल जाती है, अब आप इसमें किसी भी कोई छोटे वॉल्यूम जो है उसका आप चार्ज फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, बाय यूजिंग द रिलेशन के रो इंटू वी इज इक्वल टू दैट चार्ज विच इज एनक्लोज्ड. सो अगर हम इसे कैलकुलेट करें, सो दिस विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू, नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस इनर स्फीयर, दिस इज 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब लाइक दिस. एंड अगर आप इसको अब कैंसिल आउट करें तो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एंड देन आपके पास क्या निकलता है कि दिस क्वांटिटी q enclosed, so this enclosed charge is equal to your this quantity q r cube divided by capital R cube. So yes, this is the relation जिससे हम overall find out कर सकते हैं कि आपका enclosed charge क्या होगा. So when you know what is the enclosed charge, then इसको हम सिर्फ Gauss law की definition में put करते हैं, जिसमें E डॉट आपके पास इसका सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया है आपका 4 pi स्मॉल आर स्क्वायर, जो आपके पास इनर स्फीयर है उसका सरफेस एरिया, इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू क्यू स्मॉल आर क्यूब डिवाइड बाय कैपिटल आर क्यूब इनटू दिस एप्सिलॉन नॉट. तो इस तरीके से ये आप इस रिलेशन के नज़दीक पहुंच गए कि आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो. एंड फाइनली इफ़ यू कैलकुलेट दिस इज ई इज इक्वल टू, यू कैन जस्ट 1/4 pi epsilon naught एंड देन दिस क्वांटिटी क्यू आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब इनटू दिस क्वांटिटी आर स्क्वायर, ये आपके पास एक्सप्रेशन में आता है. देन यू कैन जस्ट कैंसिल इट आउट आर स्क्वायर से ये आर पावर 3, तो ये सिंगल आर के तौर पे आपके पास बचेगा 1/4 pi epsilon naught q r डिवाइड बाय कैपिटल आर क्यू. सो गाइज, दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर यू जिसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो जब ये जो चीज़ है आपके पास, ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका उस स्फीयर के अंदर है. तो इन दो केसेस में हमने देखा, जिसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली कि एनक्लोज्ड चार्ज का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है. सेकंड थिंग, अगर हम उस पॉइंट से बाहर हैं, सो दैट यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज फॉर आवर केस. बट अब ये तो हो गए ऐसे केसेस. इसके अलावा मान लीजिए पॉइंट चार्ज के बारे में तो हमें पता है, लेकिन अगर एक लाइन चार्ज आपके पास है, उस केस में आप उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करोगे? एक कंप्लीट वायर है जो चार्ज्ड है. सेकंड केस, एक शीट है, वो शीट कंप्लीटली चार्ज्ड है, तो उसके से के रिस्पेक्ट में आप कहीं भी किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे? एंड एक स्फीयर जो चार्ज्ड है उसके बारे में ऑलरेडी हम इलेक्ट्रिक फील्ड उसका टू डिफरेंट केसेस में फाइंड आउट कर चुके हैं. सो इन सवालों का हम जवाब देंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद. मैं दिनेश आहूजा एस चांद एकेडमी से, आप लोगों के केमिस्ट्री के जो मुश्किल टॉपिक हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खासकर, उन्हें आसान करने आपके पास आ रहा हूँ जल्द. तो मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर उनको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा. वेलकम बैक टू एस चंद अकेडमी. ब्रेक पर जाने से पहले हमने ये डिस्कस किया था कि गॉस लॉ के एप्लीकेशन के तौर पे हम किसी चार्ज स्फीयर के लिए हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एट अ सर्टेन पॉइंट, जो कि या तो आउटसाइड द बॉडी हो या इनसाइड द बॉडी हो. एंड हमने ये क्वेश्चन छोड़ा था कि किसी एक लीनियर चार्ज कॉम्बिनेशन के लिए
हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं या एक चार्ज प्लेट के लिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा केस है कि हमारा जो थर्ड केस यहाँ पर बनेगा कि एक लीनियर चार्ज कॉम्बिनेशन के लिए कि आपके पास एक वायर है, दिस वायर कंसीडर इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज वट एवर यू लाइक। तो इस केस में ये जो आपके पास चार्ज्ड वायर है तो इस वायर के सराउंडिंग अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हो, इस पॉइंट से कंसीडर कीजिए एट अ आर डिस्टेंस अपार्ट एट दिस पॉइंट पी, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए हो तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है या तो आप इसके छोटे छोटे फ्रैक्शंस लीजिए एंड देन उसको ऐड करते जाइए उनके इलेक्ट्रिक फील्ड के कंट्रीब्यूशन को, दिस इज़ वन मेथड, बट वो क्या है आपके लिए इजी नहीं रहेगा। सेकंड केस हम कंसीडर करते हैं क्योंकि इस चार्ज की वजह से जो इसकी इलेक्ट्रिक लाइन्स फ्लो हो रही हैं वो इलेक्ट्रिक लाइन्स जो हैं वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही होंगी, टूवर्ड्स आउटवर्ड्स, ओके। एंड देन एट दिस पॉइंट पी इसको इंक्लूड करते हुए हम एक सिलेंडर इमेजिन करते हैं, एंड वन थिंग दिस इज एन इनफिनिटली लॉन्ग वायर, ठीक है, जिसके लिए हम ये सिलेंडर इमेजिन कर लेते हैं। एंड इन दिस केस गाइस तो आप देखेंगे कि इस सिलेंडर जिसकी की रेडियस जो है वो आपके पास आर है एंड इसकी जो लेंथ है वो आपके पास एल है, जो कि हम कह रहे हैं कि एल टेंड्स टू इन्फिनिटी है आपके पास, ठीक है। तो उस केस में आप इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो हम बेसिकली अगेन वही गॉस लॉ लगाते हैं एंड गॉस लॉ से हमारे पास क्या आएगा कि ओके ई इनटू ये जो आपने सरफेस ड्रॉ किया है जिसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही हैं उसके अलोंग इसका सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइड बाय योर क्वांटिटी एप्सिलॉन नॉट। सो यही एक्सप्रेशन हम दोबारा से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब इस एक्सप्रेशन को हम किस तरीके से देख रहे हैं कि जो डी एस है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर है। तो हम इस ई क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है इस सरफेस से, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर करते हैं, एंड दिस डी एस इसका जो आपके पास सरफेस एरिया है सिलेंडर का दैट विल बी आपके पास आता है 2πr इंटू एल। तो 2πr तो इसका सर्कमफ्रेंस हो गया एंड एल इज इट्स लेंथ, तो इस तरीके से इसका आप सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ दिस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द केस, ये आपके सामने है। अब जस्ट आपको इसको कैलकुलेट करना है। अभी इसमें दो क्वांटिटीज ऐसी हैं जो हमारे बस के बाहर हैं, वो क्या है, वो है दिस लेंथ एल, क्योंकि हमने माना है कि ये जो आपके पास वायर है वो इनफिनिट लेंथ की है। दूसरा ये जो आपके पास ये जो चार्ज है क्यू एनक्लोज्ड ये क्या है, ये इस वायर पे चार्ज है। तो अगर वायर इनफिनिट है तो ये भी हम मान सकते हैं कि इस पे चार्ज है वो भी तो इनफिनिट बन जाएगा। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या होता है, ई इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी क्यू एनक्लोज डिवाइड बाय एल, अगर मैं इसको यहाँ एल से डिवाइड कर दूँ, डिवाइड बाय दिस क्वांटिटी 2πr इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्वांटिटी q बाय एल इसको हम समझ सकते हैं। सो व्हाट इज दिस चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। सो व्हाट डज दैट लैम्डा मीन, लैम्डा इज योर लीनियर चार्ज डेंसिटी, कि एक लाइन के ऊपर एक वायर के ऊपर आपका बहुत सारा चार्ज है तो पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है, देन उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो एंड यू कैन फाइंड आउट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। सो विच इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाय 2πr इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो गाइज ये जो है आपके पास एक्सप्रेशन बनता है जिसमें लैम्डा क्या है, लैम्डा आपका है लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो इस केस में आप इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग गॉस लॉ। नाउ अब एक लाइन से अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि एक सरफेस के लिए, कि किसी सरफेस के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या बनेगा। सो दिस इज केस नंबर 4। तो केस नंबर 4 में हमारे पास क्या है, एक शीट है। सो ये जो शीट है ऑफ एरिया ए, ठीक है, और हम इस शीट का भी यही मान रहे हैं कि ये शीट जो है वो बहुत बड़ी है, इनफाइनाइट बड़ी है, एंड
तो हम क्या मानते हैं कि एक बहुत पतली शीट है जिसके ऊपर आपका चार्ज प्रेजेंट है। तो पतली शीट होने से, इनफाइनाइटली थिन शीट होने से इसका मतलब क्या है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका इस डायरेक्शन में भी इस तरीके से एक शीट के टाइप में सिमेट्रिकल होगा, एंड ऑन द अपोजिट साइड एज वेल वहाँ पर भी आपका इसी तरीके से ए एरिया में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल होगा इन बोथ ऑफ द साइड। सो इन दैट केस अगर आपको इसी सरफेस पे किसी पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो वो आपके पास क्या वैल्यू होगी। सो लेट्स फाइंड आउट अगेन द सेम डेफिनेशन के ई एंड द इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, ये जो सरफेस एरिया है आपके पास, इक्वल टू क्यू तो एनक्लोज्ड। तो ये क्या है, ये अभी तो हमने इसको एक ओपन सरफेस की नज़र तरह से नज़र आ रहा है, लेकिन ये शीट बहुत बड़ी है तो इमेजिन करो कि ये इन्फिनिटी पे कहीं जाकर हम इसको एक क्लोज्ड सरफेस मान के चलते हैं, ठीक है। बट जस्ट बिकॉज क्योंकि यही सरफेस है जिसमें से परपेंडिकुलर लाइन पास हो रही होंगी तो हम सिर्फ इसी का कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें ऐड कर रहे हैं। सो गाइज, तो इस केस में क्या होगा कि आपके पास क्यू एनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट सेम एज यूजुअल। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये जो सरफेस एरिया है ये क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो रहा है ये इस सरफेस एरिया ए एंड इस सरफेस एरिया ए, दो सरफेस में से फाइंड आउट हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इनटू टू ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा क्यू एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एरिया डिवाइड बाय टू एप्सिलॉन नॉट। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्यू एनक्लोज बाई एरिया चार्ज पर यूनिट एरिया, हम इसको क्वांटिटी को लिख सकते हैं सिग्मा। तो सेम एज द लास्ट केस, अब आपके पास अगर एक इनफाइनाइट एरिया की शीट है तो उसके ऊपर चार्ज जो है वो भी तो इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन चार्ज पर यूनिट एरिया एक मेजरेबल क्वांटिटी है जिसको आप कह सकते हैं कि ओके, सो दिस इज चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा डिवाइड बाय टू एप्सिलॉन नॉट। सो गाइज, दिस इज द वे जिस तरीके से आप गॉस लॉ का यूज़ करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड किसी केस में फाइंड आउट कर सकते हो। सो एज अ समरी अगर हम देखें तो हमने सबसे पहले गॉस लॉ के बारे में डिस्कस किया कि जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं अपनी एक प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद हम इस बात पर आए कि क्या हम उससे किसी केस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट हमने केस लिया कि एक आपके पास सॉलिड स्फीयर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो उस केस में आप उसे किस तरीके से उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट केस हमने आउटसाइड द स्फीयर देखा, नेक्स्ट केस में हमने इनसाइड द स्फीयर देखा। तो पहले केस में हमें पता चला कि एज अ पॉइंट चार्ज वो ट्रीट करेगा अगर गॉस लॉ से हम उसको ट्रीट करेंगे। सेकेंड केस में हमने देखा कि जो चार्ज सिर्फ एनक्लोज्ड है विद इन दैट स्फीयर, क्लोज स्फीयर, तो वही कंट्रीब्यूट करेगा उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, बाकी जो चार्जेस हैं वो क्या है, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नेट नहीं आएगा, फाइन। एंड देन अगर आप उसके बाद फर्दर इस चीज़ को स्टडी करें तो आपको ये पता चलेगा कि और केसेस में भी हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक इन द थर्ड केस हमने देखा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, और फोर्थ केस में हमने देखा कि इनफाइनाइट शीट जो है उसके लिए भी आप इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसके छोटे छोटे फ्रैक्शंस लेके आप उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिर इनफाइनाइट सीरीज का सम करते रहिए तो उससे मतलब किसी टेक्निक के थ्रू आप उसको उसी सॉल्यूशन पे पहुंच जाएंगे जो गॉस लॉ से जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्री, ठीक है, आप उसको बड़ी जल्दी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप इन टॉपिक्स को और बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप एस चंद पब्लिशिंग की इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी वेल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम बारी बारी आपसे जुड़ते रहें और इसी तरीके का कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।